हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। तो उसके लिए 8x8 का टिन लिया है। सबसे पहले टिन रेडी करेंगे और इसे बटर से ग्रीस करेंगे। मेरा बटर फुली रूम टेम्परेचर पर नहीं था, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। आप ब्रश से भी कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर ब्राउन शुगर स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो कैस्टर शुगर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन घर की चीनी यूज नहीं कर सकते। अब हम टिन के बेस में पाइनएप्पल के स्लाइसेस एडजस्ट करेंगे। आप जितने भी जिस तरह स्लाइसेस लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। आप राउंड टिन का यूज भी कर सकते हो। अब हमारे पाइनएप्पल के सेंटर में जो होल्स हैं वहां पर हम चेरीज लगाएंगे और ये हमारा टिन रेडी है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसके लिए एक बाउल में हम पहले स्ट्रेनर लगाएंगे और एक कप मैदा लेंगे। मेरा हाफ कप था इसलिए मैंने दो बार लिया है। और मैदे को स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन करना जरूरी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये हाफ टी स्पून है इसलिए मैंने दो बार यूज किया है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर सोडा यूज करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। और अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसमें कि हम 60 ग्राम बटर लेंगे रूम टेम्परेचर का। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क 50 ग्राम लेना है। आप चाहो तो ml में भी ले सकते हो, सेम ही क्वांटिटी होगी। 200 ml का कप या फिर 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क लेंगे। आप चाहो तो आप बटर और कंडेंस्ड मिल्क को पहले बीट कर सकते हैं, बाद में भी मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ एक साथ ही ले रही हूँ। 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे, 1/4 टीस्पून येलो कलर डालेंगे। अब हम इसे विस्कर के साथ अच्छे से विस्क करेंगे, जब तक कि सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। आप यहाँ पर बीटर का यूज भी कर सकते हो। इसे अच्छे से ब्लेंड करना जरूरी है। हम तब तक बीट करेंगे जब तक सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। ये देखिए, अभी हमारा सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो गया है, कुछ भी अलग से दिखाई नहीं दे रहा। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे मैदा कहीं भी ड्राई बाकी ना रहे, नहीं तो जब आप केक बेक कर लोगे तो उसमें वो कच्चा आएगा। हमारा मैदा अच्छे से बीट हो गया है, कोई लम्स भी नहीं है। अब हमने जो टिन रेडी किया था उसके ऊपर हम ये बैटर डालेंगे और इसे इक्वली स्प्रेड करेंगे सभी कॉर्नर्स में भी। सेंटर में इस टाइम ज्यादा बैटर है तो हम स्पैचुला की हेल्प से सेंटर से ये सारा बैटर साइड्स पर भी इवनली स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसे 180 डिग्री पर 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और अब हम बेकिंग के बाद मिलते हैं। ये देखिए, हमने केक को बेक कर लिया है। अब हम इस तरह स्क्वीवर डालकर देखेंगे, बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब हमारा केक रेडी है। अब हम एक प्लेटर को इसके ऊपर रखेंगे और इसे उल्टा करके हल्का सा थपथपाएंगे तो केक निकल आएगा। और ये देखिए, हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है, कट करके भी देखते हैं। ये देखिए कितना जालीदार है, ये प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। प्लीज इसे एक बार ट्राई कीजिएगा।